बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। जैसा कि आप जैसा कि यूनिट नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो चुका है, तो पिछले जो हमने लेक्चर वीडियो आपने देखी होगी, जिसमें मैंने विंडोज़, एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट एंड एमएस एक्सेल, ठीक है, एमएस एक्सेल, इनके बारे में डिटेल से आपको जो इसके जो फंक्शंस हैं और इसके यूजेस हैं और प्रैक्टिकली किस तरह वर्कआउट करते हैं, ये तमाम चीज़ें आपको मैंने उस पिछले वीडियो में आपने देखी होगी और समझी भी है। और अब जो हम आगे बढ़ रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे, इंशाल्लाह आपको इस काबिल बनाऊँगा कि आप एम एस वर्ड को ईजीली यूज़ कर सकेंगे, एम एस एक्सेल को भी और एम एस पावर पॉइंट को, ताकि आप आगे जाके इंशाल्लाह जब आप आगे मजीद सेमेस्टर में आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट असाइनमेंट मिलेंगे, प्रैक्टिकम मिलेंगे, रिसर्च वर्क पे जाना पड़ेगा, तो आपको क्या होगा, आपको ये होगा कि आप यूज़ कर पाएंगे एम एस वर्ड को, ठीक है, आपके लिए नई चीज़ नहीं होगी, ठीक है। तो अभी आप जो देख रहे हैं स्क्रीन डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप है, इस डेस्कटॉप में अभी हम एम एस वर्ड को ओपन करेंगे, तो आप ये देख सकते हैं ये एम एस वर्ड है, यहाँ से हम ओपन कर स्टार्ट से ओपन करते हैं, यहाँ हमने हमें क्लिक किया, ये एम एस वर्ड यहाँ ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये एम एस वर्ड ओपन हो गया, होने के बाद आपको ये मेरे पास विंडोज़ 10 है, ठीक है, विंडोज़ 10 में इस तरह व्यू आता है, आप देखें डिफरेंट टेम्पलेट्स आपके सामने हैं, हम अभी सिर्फ ब्लैंक टेम्पलेट लेंगे, जो हम ब्लैंक टेम्पलेट वर्कआउट करते हमेशा एज यूजुअल कॉमन, अगर हमें काम करना हो असाइनमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, हम तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, तो हम ये सिलेक्ट कर रहे हैं, तो ये आपके सामने व्यू आ गया पूरा एम एस वर्ड का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि पूरा एम एस वर्ड आपके सामने ओपन हो गया। तो अभी एम एस वर्ड आपके सामने जो ओपन है, एक मिनट, तो इसके बारे में हम डिटेल से आपके पूरे डिटेल्स आपको बताएंगे कि किस तरह वर्कआउट करना है एम एस वर्ड के ऊपर, ठीक है। ये चीज़ आप जो आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पर एम एस वर्ड के जो फाइल के ऊपर, डॉक्यूमेंट के ऊपर, तो ये जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये तमाम चीज़ें हम आपके सिलेबस में मौजूद हैं, ठीक है, इस इन चीज़ों को हम लेके चलेंगे इंशाल्लाह, ये चीज़ें आपको आगे जाके मज़ीद इस पर वर्कआउट करने का मौका मिलेगा। नंबर वन इज़ द फॉलोइंग की टॉपिक्स आर कवर्ड इन दिस यूनिट, जनरल इंट्रोडक्शन टू एप्लीकेशन विंडो, ये हमने पिछली क्लास में कवर किया, क्रिएटिंग सेविंग एंड ओपनिंग डॉक्यूमेंट, आपके सामने मैंने इसको ओपन किया, ये भी हो गया, ठीक है, ओपनिंग किस तरह करते हैं आपको समझ आ गया होगा, दो तरीका है, एक तो इस डायरेक्ट स्टार्ट पे जाके ओपन करते हैं, दूसरा तरीका कि हम रन सर्च है उस पर वर्ड लिखेंगे विनजिप वर्ड, फिर जाकर इसको ओपन करेंगे, ठीक है। और दूसरा तरीका जो नॉर्मल तरीका वो हम स्टार्ट पे जाकर करते हैं। अच्छा, फॉर्मेटिंग, एडिटिंग पेज, टेक्स्ट, पैराग्राफ, ये किस तरह होगा भी इंशाल्लाह आपको आगे बताया जाएगा, एडिटिंग पिक्चर्स टू पेजेस, क्लिप आर्ट फ्रॉम फाइल से डॉक्यूमेंट्स, हम जो पिक्चर वगैरह ऐड कर सकते हैं इसमें, वर्किंग विद टेबल्स, टेबल चार्ट्स, ग्राफ्स वगैरह बना सकते हैं इजीली, डायग्राम्स भी बना सकते हैं, और प्रिंट प्रेफरेंसेस, किस तरह हमें प्रिंट निकालना है, प्रिंट किस तरह देना है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, और जब हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो उस वक्त प्रिंट आउट लेआउट है जो, ठीक है, प्रिंट आउट व्यू है वो किस तरह होना चाहिए, वो तमाम चीज़ आपको हम गाइड करेंगे, यूजिंग प्रीसेट एडवांस फीचर्स, जो इंशाल्लाह वो जो जो एडवांस फीचर होंगे आपको वो भी बताए जाएंगे, यूजिंग वर्ड प्रोसेसिंग टू क्रिएट क्लासरूम इंस्ट्रक्शन डॉक्यूमेंट्स, डायग्राम्स, लेसन प्लान किस तरह बनाना है, वर्कशीट्स, फ्लैश कार्ड्स, ब्रोचर्स, न्यूज़लेटर्स एंड मोटिवेशन टूल्स, सर्टिफिकेट्स, बेसिकली ये आपके कोर्स में शामिल क्यों किया गया है एम एस वर्ड को, इसलिए किया गया है कंप्यूटर लिटरेसी को, ताकि एज अ टीचर यू हैव टू नो हाउ टू वर्क ऑन एम एस वर्ड, ठीक है, किस तरह काम किया जाता है,
आपको लेसन प्लान बनाना है तो आप एम एस वर्ड पर ईजिली आपको आना चाहिए एज अ टीचर एम एस वर्ड पर लेसन प्लान बनाना। वर्कशीट बनाते हैं डिफरेंट साइंस के वर्कशीट, सब्जेक्ट है साइंस, सोशल स्टडीज, इंग्लिश, इनके जो एलिमेंट्री क्लास में वर्कशीट बनाए जाते हैं। तो आपको वो चीज़ जब आपको आएगा तो आप उस पर वर्कआउट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप फुल मोटिवेशन के साथ और फुल कंसंट्रेशन के साथ आप इसको इस वीडियो को आप देखेंगे, ठीक है। लेट वी फर्स्ट वी जो हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था वो हमने किया था इस पूरे जो एम एस वर्ड के फंक्शन के ऊपर। अभी टॉप पर आप देख रहे हैं, ये जो टॉप पे जो आपको टैब खुला हुआ है नज़र आ रहा है आपको, ये क्या है? टाइटल बार। ये कौन सा बार है? टाइटल बार, ठीक है, जिसमें आपको टाइटल जो टाइटल का जो वो होता है नेम होता है। अगर अभी मिसाल मैंने अभी सेव नहीं की तो मैं क्या लिखा हुआ? डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर इसको हम एक्सटेंशन लगाएंगे, इसके नेम लिखेंगे, तो हमें मिसाल के तौर पर मैं लिखता हूँ हैदर डॉक्यूमेंट, तो हैदर डॉट डॉक्स आएगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट आएगा। अब इसमें क्या है, ये तो आप देख रहे हैं ऑटो सेव, अभी मैंने सेव नहीं किया। अब देखें सेव और सेव एज में क्या फ़र्क है। सेव एज जो होता है वो हम क्या करते हैं, मिसाल यहाँ फाइल पे गए, यहाँ पे देख रहे हैं आप सेव और सेव एज। जब आप सेव एज क्लिक करेंगे तो क्या होगा, हमें ये बोला जाएगा कि ये इंस्ट्रक्शन आएगी कि आपने कहाँ सेव करना है अपने डॉक्यूमेंट को। तो सेव एज क्या, हम अपने नेम के साथ किसी भी नेम के साथ किसी फोल्डर में आप इस डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, तो उसको कहलाता है सेव एज, किसी नेम के साथ सेव करना। मिसाल अगर मैंने डॉक्यूमेंट में सेव करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट में सेव करना है, किस नाम सेव करना है, मैंने कहा प्रैक्टिकल कंप्यूटर वर्क, इस नाम से मैंने सेव कर दिया, सेव एज किया, ठीक है, ये सेव एज कहलाता है, ये सेव एज हो गया। अब आप देख सकते हैं पर स्क्रीन पे कि आपको टाइटल बार में क्या आ गया, प्रैक्टिकल कंप्यूटर वर्क आ गया, ठीक है। ये जो मैंने जो लिखा था वहाँ पे वो यहाँ पे शो हो गया टाइटल बार पे, आपने क्या किया सेव एज किया है। अब सेव क्या है, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे कुछ वो करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, इसके फॉन्ट साइज बड़ा करता हूँ, ठीक है, लार्ज करता हूँ। अब क्या मैंने एडिटिंग की है, इस एडिटिंग के बदले क्या, अभी इसको अब जो एडिटिंग की है सेव एज के बाद, तो इसको सेव करने के लिए क्या करेंगे हम, मतलब इसको इसमें शामिल करने के सेव एज के अंदर, वो हम इसका करेंगे सेव, ठीक है। सेव का जो ऑप्शन है यहाँ से भी कर सकते हैं सेव हम, ये आपका सेव कहाँ गया, ये तो सेव का कॉपी, हाँ ये रहा, ये भी कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आपका जो ये जो है, ये सामने नज़र आ रहा है आपको फ्लॉपी बनी हुई, ये जो शॉर्टकट की है वो ये है, इस पर करेंगे डायरेक्ट आपका सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव। इसके अलावा एक और तरीका भी है कंट्रोल एस, इससे भी आपका जो डाटा है वो सेव हो जाएगा, ठीक है, सेव इसके बाद सेव हो जाएगा। जब जो करंट फाइल, जो करंट जो हम वर्किंग करते हैं एडिटिंग करते हैं उसको सेव, उसको हम अपने पास सेव रखने के लिए हम सेव का बटन दबाते हैं, ठीक है। अच्छा ये जो अंडू, ये अंडू का बटन है, मिसाल कोई चीज़ हमने मिसाल अभी मैंने 14 इसके जो फॉन्ट साइज है 14 किया है, ये अभी अंडू करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि प्रीवियस जो फॉन्ट था वो वापस आ जाए, तो अंडू करेंगे यहाँ से, ये देखिए ये हो गया दोबारा प्रीवियस, ठीक है, ये रिवर्स करेंगे ये आ गया, तो ये अंडू का बटन है, ठीक है, अंडू कहते हैं इसको। अब ये आप ये तो टाटा, अब ये तो पूरा आप देख रहे हैं यहाँ से देखकर, या मेरा आप कर्सर देख सकते हैं यहाँ से, ये पूरा होम, इंसर्ट, ड्रो, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, हेल्प, ये तमाम चीज़ें क्या है, ये तमाम चीज़ें कहलाती है रिबन, क्या कहलाती है रिबन। अभी रिबन में जो तमाम फंक्शंस और आपके टूल्स मौजूद हैं, पहले तो फाइल है, आपने फाइल में देखा सब चीज़ें इसमें मौजूद हैं, सेव कैसे करना है, प्रिंट वगैरह सब शेयर करना, होम, होम में आपके सामने जो ये सब ये इसका है होम, इसमें फॉन्ट साइज वगैरह सब चीज़ें आपको आपके पास मौजूद होंगे, ठीक है। अब हम पहले फॉन्ट होम को हम डिस्कस करेंगे, होम को, होम क्योंकि इम्पोर्टेंट, सबसे इम्पोर्टेंट होम है। होम का जो रिबन है वो होम बार जो है, होम टूल बार जो है, मेन्यू बार, इसको हम डिस्कस करेंगे। इसमें आप देखें ये पेस्ट का ऑप्शन है, ये कट का ऑप्शन है, ये कॉपी का है, ठीक है, ये फॉर्मेट पेंटर अगर हम कोई पेंट करना है इससे करेंगे। अच्छा ये क्या है, फॉन्ट स्टाइल, क्या ये फॉन्ट स्टाइल। अब डिफरेंट स्टाइल मौजूद है,
जो आपके असाइनमेंट बनाने के जो तरीका है, असाइनमेंट के लिए जो यूज़ करते हैं, वो फ़ोन क्या है, जो जिसे हम कहते हैं एपीएस स्टाइल, जो रिसर्च में हम यूज़ करते हैं, वो एपीएस स्टाइल क्या है, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, इसका मतलब है एपी है। तो ये स्टाइल है, ठीक है, स्टैंडर्ड स्टाइल। उसके लिए हम टाइम न्यू रोमन इस्तेमाल यूज़ करते हैं। टाइम न्यू रोमन मैंने यूज़ किया, ये आप देख सकते हैं, टाइम न्यू रोमन में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। बाकी क्या है, बाकी कैलिबरी जो बॉडी फॉन्ट है वो उसमें, बाकी जो डॉक्यूमेंट है इसको भी हम सब इसको हम वो करते हैं, कंट्रोल एयर से क्या करते हैं, सिलेक्ट ऑल करते हैं। करने के बाद हमने क्या किया, अब ये दोनों क्या हो गया, हट गया। अब इसको हम क्या करेंगे, फ़ोन लेंगे, कौन सा, टाइम न्यू रोमन ले लिया, ये आ गया टाइम न्यू रोमन, ठीक है, दोबारा सिलेक्ट करो। करने के बाद अब ये जो है ना, ये क्या है, फ़ोन साइज़ है, कितना साइज आपने रखना है, ठीक है बेटा। 12 स्टैंडर्ड जो होता है बॉडी का वो होता है 12, याद रखना साइज़। अब ये हेडिंग जो है, सॉरी ये हेडिंग है, ये हेडिंग हम रखते हैं किसमें, 14 रखते हैं हेडिंग हमेशा, ठीक है। अब ये जो ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसी का ही, फॉन्ट साइज का। इसको करेंगे, इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज ग्रेटर होगा, देखिए नंबर ग्रेटर हो रहा है, इससे क्या होगा, फॉन्ट साइज स्मॉल होगा, ये शॉर्ट फॉर्म है, इसको हम दोबारा 14 में करते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब ये क्या है, आप देख सकते हैं, सॉरी ये खुल नहीं रहा, एक मिनट, खुलने ओपन नहीं हो रहा। अरे सर मेरी मसला है, मेरे उस एमएस वर्ड में, अरे अच्छा जनाब, अब आपको ऐसे बताते चलूँ, ये जो आप देख रहे हैं ग्रेटर ए स्मॉल ए, ये बेसिकली इसमें क्या होता है, इसके अंदर आएगा आपका जो टैब खुलेगा वो क्या खुलेगा, सेंटेंस स्ट्रक्चर। जी मिसाल को, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है कि पहला जो वर्ड है वो क्या होता है, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल होता है, बाकी स्मॉल होते हैं, वो सेंटेंस स्ट्रक्चर है। कैपिटलाइज करना है पूरा इसको, ठीक है, डायरेक्ट कैपिटलाइज करना हो पूरा, यहाँ से ऑप्शन जाएंगे, कैपिटल का ऑप्शन बटन दबाएंगे, लेकिन अगर पूरा स्मॉल रखना है तो स्मॉल यहाँ पे ऑप्शन आएगा, उसमें पूरा आपको जो सेंटेंस स्मॉल हो जाएगा, स्मॉल अल्फाबेट में, तो ये इसका ऑप्शन ये है। ये जो है ये क्या है, बोल्ड का ऑप्शन है, हम जो हेडिंग बोल्ड में करते हैं। अगर कोई मसाला हो तो कोई ट्रम है, कोई ट्रम या कोई हमने अगर स्पेसिफिक कोई वो करना है, इसको नॉमिनेट करना है, तो हम इसको कोई भी मसाला हो तो मैंने टॉपिक ये सिलेक्ट किया, इसको हमने नॉमिनेट करना है, तो हम इसको ये भी कर सकते हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ये बोल्ड हो गया, ये इटैलिक हो गया, थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है, इटैलिक। अब इसको हमें अंडरलाइन भी करना है, अंडरलाइन आ गया। अब ये मिसाल के तौर हमें इसको कट करना है, ये हमें नहीं रखना है, तो ये कट आएगा, ठीक। ये जब ये रिसर्च में यूज़ होता है, जब हम कभी भी रिसर्च में यूज़ करते हैं, तो मिसाल के तौर पर कभी हमने कोई चीज़ हमने मिसाल को तो कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, उस स्पेलिंग मिस्टेक को हमने शो करने के लिए याद रखने के लिए हम इसको कट को प्रेस करते हैं, ठीक है, ये दाग कट हो गया। तो ये जो आप देख रहे हैं एक्स की पावर नीचे 2 है और एक्स की पावर ऊपर 2 है, ठीक है, ये बेसिकली कब होता है, जब हम आप देखो अक्सर बुक्स में रिसर्च में आपने देखा होगा कि रेफरेंस दिए हुए होते हैं नीचे, फुट नोट दिए हुए होते हैं नीचे, और उसके जब पैराग्राफ के अंदर क्या होता है, ऊपर यहाँ 1 लिखा हुआ है, ठीक है, टेक्स्ट के ऊपर 1 या टेक्स्ट के नीचे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, तो इससे होता है ये, ठीक है। अगर टेक्स्ट के नीचे हमें 1 चाहिए, सही की है,
ठीक है, ये स्मॉल रहेगा इस टैक्स के नीचे, अगर मैं यहाँ 1 लिखता हूँ ये 1 मैंने लिखा, इस 1 को मैंने सिलेक्ट किया, ओनली 1 को, ये क्या हुआ इसके नीचे आ गया, ठीक है ये उसके ऊपर ले आएंगे। ये अक्सर इसमें आपने देखा होगा जब हम रिफरेंस फुट नोट देते हैं, रेफरेंस देते हैं तो उसको शो करने के लिए, मिसाल ये टर्म है, इस टर्म का मीनिंग ये, तो मीनिंग हम देते हैं नीचे फुट नोट पर, तो हम इस तरह इसको यहाँ पर लिख सकते हैं, ये इसके यूज होते हैं, ठीक है बेटा। ये अब ये जो है इसमें हम डिफरेंट जो कलर्स हैं उसके फॉन्ट साइज़ के वो ले सकते हैं, इसमें भी ये कलर्स हैं, ठीक है ये भी कलर है, ये जो है ना ये ब्लूट्स हैं, ब्लूट देख रहे हैं आप, डिफरेंट ब्लूट्स आ गए, ये मैं सिलेक्ट करूँगा इसको पूरा, इसको हम ब्लूट में करेंगे, डिफरेंट ब्लूट्स हैं ठीक है, जिसमें नंबरिंग्स है, डॉट है, ये आपको ब्लूट में कन्वर्ट कर दिया इसका, ये नंबरिंग है ठीक है, नंबरिंग नंबरिंग में कर दिया इसको मैंने 1, 2, 3 में, अगर हम नंबरिंग खुद से बनानी हो यहाँ इस ऑप्शन में जाएंगे, इस ऑप्शन में ये इसके बराबर वाले इसको, ठीक ये देखिए ये मिसाल कर्सर है, अब इसमें आ जाए, इसमें का लेफ्ट साइड, मिड साइड, राइट साइड, ये जस्टिफाई, जस्टिफाई में क्या होता है आपने अक्सर देखा होगा कि जब आप मिसाल के तौर पर ये लाइनें जो है ठीक है, ये आगे पीछे हो रही है ना, ये सेंटेंस इतना ही था, मिसाल अगर पूरा पैराग्राफ होता है, पैराग्राफ में लाइनें क्या होती है, आगे पीछे होती है, उन लाइनों को सेट करने के लिए आपने क्या करना है, जस्टिफाई के बटन को क्लिक करना है, तो क्या होगा जस्टिफाई होगा, तमाम जो लाइनें बराबर हो जाएंगी, ये क्या लाइन स्पेसिंग, ठीक है लाइन स्पेसिंग है, इस लाइन स्पेसिंग में क्या होता है, इसमें ये होता है लाइन स्पेसिंग में कि जो पैराग्राफ के बीच में जो स्पेस है, आप देखो लाइन है ये मैंने लिखे हैं, इसके ये बीच में कम स्पेस है, इसमें होगा 1, अगर उसको हमने बढ़ाना है स्पेस को 1.2 करना, 1.5 करना है ठीक है, 1.75 करना है, तो हम इसमें कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, मैक्सिमम 2 कर सकते हैं, हमें करना मतलब अगर करना चाहे तो कर सकते हैं, मैक्सिमम उससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 1.75 या 1.5 स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। और ये बाकी फ़ॉन्ट ये आप देख सकते हैं, ये सब क्या है फ़ॉन्ट है, डिफरेंट फ़ॉन्ट्स हैं ठीक है, ये कलर है, यहाँ से कलर होता है, हमें कलर करना है, ये पैराग्राफिंग है, पैराग्राफ हम किस तरह शुरू करना है वो है, ठीक है बेटा। बाकी ये जो है ये जहाँ जहाँ हमने स्पेस का बटन, जो स्पेस है लार्ज बटन हमारे कीबोर्ड का, वो जहाँ जब हमने दबाया बटन प्रेस किया वो जगह में मैं दिखाएगा कि यहाँ स्पेस है, जहाँ जहाँ स्पेस है वहाँ ये हमें शो करेगा, ठीक है ना। अच्छा ये क्या है, ये आप देख सकते हैं ये यूज़ होता है हमारे जब हम मिसाल लाइन, अगर हमने यहाँ पे लाइन लगा, ये हमने ये हमारा क्या है इंस्ट्रक्शन है मिसाल के तौर पर, इसमें हमने लाइन लगानी है, पेपर जब आप कंस्ट्रक्ट करते हैं, पेपर बनाते हैं, पेपर की फॉर्मेटिंग करते हैं, तो आपने इसमें देखा होगा आपने कि इंस्ट्रक्शन की जो लाइन आती है तो वो लाइन इससे हम शो करते हैं, डिफरेंट लाइन भी हम शो कर सकते हैं, इसके बॉक्स बना सकते हैं, ठीक है यहाँ भी ये राज है, देख सकते हैं ये बॉटम लाइन आ गया, ये क्या टॉप बॉर्डर, लेफ्ट हमने करना है सिर्फ, राइट करना है, ये आ गया, अगर हमने नो बॉर्डर लगाना, ऑल बॉर्डर लगाना है, साफ देखो इंस्ट्रक्शन एक बॉक्स में बंद होता है, ये आ गया आउटसाइड, ठीक है इनसाइड इंडिविजुअल, ये सब तमाम चीज़ें
अगर ड्रो टेबल ड्रो करने आस पा सकते हैं तो हम जो देख अब देख सकते हैं जब हमने देखा होगा कि बॉक्स बना होता है पेपर में, जब पेपर बनाते हैं कंस्ट्रक्ट करते हैं और इसको फॉर्मेटिंग करते हैं एमएस वर्ड पर, तो हम जो आप देखा होगा ये बॉक्स इंस्ट्रक्शन बॉक्स के अंदर होता है, वो बॉक्स इस तरह बनाते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इसको हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई अगर समझ नहीं आया हो आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है, किसी वक्त भी सुन के आप इसको क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, और जो इसमें पार्टिसिपेट करेगा, क्वेश्चन करेगा, कमेंट करेगा, सजेशन देगा, या आप जो आपको समझ आए वही आप सिर्फ आप वॉइस में आप ग्रुप में शेयर करेंगे, आपके अटेंडेंस हम काउंट करेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।